इशू को क्या चाहिए बता दो। इशू भाग गए। इशू क्या चाहिए इशू को? भाग गए इशू। हेलो। और हाँ मैडम कैसी लग रही है बताओ, और मैं कैसा लग रहा है भी बताओ। जरूर बताइएगा कैसे लग रही है और मैं तो चलिए दोस्तों जा रहे हैं अभी हम लोग दीदी को भी लेकर जाने वाले हैं, दीदी के साथ जाने वाले हैं आज डिनर करने के लिए विद फैमिली। और तो चलिए हम लोग रेडी हो गए हैं, आप लोग भी चलिए। तो आज क्या हो गया था, आज मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई हूँ, ये बच्चों को देख रही थी। फिर साची दीदी आई, फिर बच्चों को लेकर चली गई, मीन्स की मोक्ष को लेकर जा रही थी। फिर ईशू का ऐसा कि मुझे भी जाना है, जहाँ मोक्ष रहेगा वहाँ ईशू का रहना ही रहता है, और मीन्स की लड़ते भी है, झगड़ते भी है, और दोनों साथ में भी रहते हैं। तो फिर अभी मुझे ना जैसे कि मैंने सब्जी वगैरह बना ली थी, आटा वगैरह लगा लिया था, बस मैं अभी रेडी नहीं हुई थी, अभी मैं रेडी होने के लिए आई थी, बट मैंने देखा यार कितना सारा जो मेरा मेकअप का सामान है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो मेरा ड्रेसिंग है वो ऐसे ही है, मीन्स कि मैंने अच्छे से क्लीन नहीं किया, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया है, सामान जो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो काफ़ी दिन हो गए मैं जब से आई ना मम्मी के यहाँ, तब से अभी तक सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो इसी कारण मैंने सोचा कि चलो यार रेडी तो मैं बाद में ही हो जाऊंगी, सबसे पहले मैं अपना जो सामान है वो ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, क्योंकि इशू के पापा भी बाहर गए हैं, वो आएंगे तब मैं गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी, रोटी बनाकर नहीं रखती हूँ, जब खाना रहता है तभी बनाती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ठंडी रोटी नहीं खिलाती है। वैसे तो पता है जब बाहर जाएंगे मेरी मम्मी के यहाँ पर, बोले अपने ससुराल, अब वहाँ पर ठंडी रोटी भी मिल जाती है ना, तो अच्छे से पेट भर के खाना खा लेती हूँ, बट यहाँ पर पता नहीं मन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं मन करता है ठंडी रोटी खाने की, तो इसी कारण मैं गर्मा गर्म ही बनाती हूँ।
तो बस ये सामान वगैरह मैं ऑर्गेनाइज कर लूँगी। और हाँ, जैसे कि अगर कोई भी बात ऐसा बोलो ना, हमारा जो होता है ना कि हम अदर तरीके से बोलते बट लोग है ना जितना मतलब निकालते हैं, तो जैसे नहीं तो मैंने कहा ना कि यहाँ पर कोई अच्छा सा नहीं है, तो अच्छे से मतलब ये है कि कोई ऐसा फैमिली रेस्टोरेंट मुझे जहाँ तक पता है कोई नहीं है फैमिली के अकॉर्डिंग, तो इसी कारण मैं किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं जाती थी और नहीं जाऊँगी अभी भी जब तक मुझे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट, भला छोटा हो तो चलेगा बट वो फैमिली वाला रहे तो अच्छा लगता है। तो बहुत सारा जो मेरा सामान है और भी बहुत सारे कपड़े मुझे बाहर सुखाने के लिए डालना है, तो मैंने यहीं पर रखे हुए हैं कि मैं बाहर चली जाती तो बच्चे भी फिर मेरे साथ आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले सामान रख लेती हूँ फिर ये बाहर डाल दूँगी, कपड़े सूखने के लिए बकेट में रखे हुए थे तो फिर मैंने यहाँ पर डाल दी, बकेट मुझे लेना था। और बस यहाँ पर ये मैंने कलर्स वगैरह मतलब कि मंगवाए थे ऑनलाइन, तो मुझे है ना DIY वगैरह के बहुत बनाने का बट चल रहा था, और वैसे भी पता है मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, मेरा किसी भी चीज़ में मन चला जाता है, मीन्स कि कुछ भी करने का मन करता है। कुछ दिन पहले मैंने डांस सीखा, ठीक है मैंने इतना अच्छे से नहीं सीखा बट मैंने सीखा, और फिर अभी मैं सोच रही थी चलो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो करो, तो मैं DIY बनाने वाली हूँ। मीन्स कि मुझे नहीं आता ब्रश, मेरे पास अच्छी नहीं है बट हाँ मैंने कभी चलो ईश्वर के पापा बोल रहे थे टैलेंटेड ऐसे नहीं बनते हैं, वो कोशिश करते रहते हैं तब जाकर कोई भी टैलेंट उनमें आता है, तो मैंने कहा चलो मैं भी करके देखूँगी क्योंकि मैं बोलती हूँ मुझे नहीं आता, पता नहीं कैसे मैं बनाऊँगी। तो मैंने उसको ना बना के रखा है बट मेरे से क्लियरिटी के साथ नहीं बना था, और ये मेरा मैं इनको बोली थी कि मेरा डेमो है, मैं ट्राई करके देखती हूँ इस पर कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं अगर अच्छे बॉटल पे करूँगी तो मेरी बॉटल वेस्ट हो जाएगी और मेरा अच्छा भी नहीं बनेगा। तो मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का बनाने का, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है इसी कारण मैं ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ, और ब्लॉगिंग करने का मेरा वही है। देखिए ब्लॉगिंग में क्या होता है, मैं जो भी घर पे काम करती हूँ तो मैं अपने एक ट्राइपॉड में लगा देती हूँ, ठीक है एक जगह पर, तो उसके साथ साथ मेरे काम भी हो जाते हैं और जैसे कि मेरा वीडियो भी बन जाता है। बट मैं अदर चीज़ अब मैं बोलूँगी जैसे मुझे DIY बनाना है या फिर रेसिपी वगैरह कुछ भी शेयर करना है, तो उसके लिए ना टाइम भी चाहिए रहता है और आपको बहुत इसमें सोचना भी पड़ता है। ब्लॉगिंग में भी बहुत सोचना पड़ता है बट मैं नहीं सोचती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ, मुझे जो सामने दिखता है जैसा दिखता है मैं वैसे ही बनाने लग जाती हूँ। फिर अगर मैं सोचूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, और फिर ज़्यादा सोचना तो फिर एक टेंशन आ जाती है, तो इसी तरह मैं फ्री माइंड जैसा होता है वैसा ही बना लेती हूँ। तो चलिए इसके साथ ही मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो देखिए इसने कॉम डाला है मुँह में, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मिलती न्यू ब्लॉग में।